हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं 0 माइल से लेकर के जो है हम ले चल रहे हैं आपको जो है हाजीरपुर यानी कि जो है पासवान चौक। तो देखिए ये जो है आपका पटना का 0 माइल हो गया, जहां से जो है बस खुलती है सभी जगह के लिए, जो है यहीं से खुलती है यानी कि बैरिया बस स्टैंड से होते हुए पुल के नीचे आते हैं, उसके बाद जो है यहां से बस सभी जगह के लिए प्रस्थान करती है। उसके बाद जो हम लोग चलते हैं इधर गांधी सेतु की तरफ। देख सकते हैं अभी जो है नया नया कार्य चल रहा है, पुल वगैरह बन रहा है, मेट्रो का कार्य चल रहा है और भी गंगा कार्य चल रहा है। तो इधर देख सकते हैं अभी जो है थोड़ा बहुत जाम देखने को मिलता है सुबह में, लेकिन जो है अभी देख सकते हैं इधर जो है कंस्ट्रक्शन का जो है कार्य अभी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुल जो बनाया जा रहा है, ये जो है गंगा के बगल से जो है मैरीन ड्राइव से जोड़ा जाएगा, उसके लिए जो है पुल वगैरह बनाया जा रहा है। इधर देख सकते हैं अभी जो है नया नया योजना चल रहा है, सड़क का जो है निर्माण किया जा रहा है और भी बेहतरीन बनाने का जो है कोशिश है पटना को, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका आ गया, इधर जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे कुम्हरार। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका जो है आगम कुआं पटना, ठीक है। और उसके बाद चलिए आपको ले चलते हैं गाय घाट। तो ये जो है आगम कुआं, अगर आप हाजीपुर की तरफ से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, गंगा सेतु अगर पार करते हैं तो आपको पहले गाय घाट मिलेगा, उसके बाद जो है आगम कुआं। तो चलिए आपको जो है ले चलते हैं आपको अब जो है गाय घाट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है बहुत ही तेज़ी से जो है कार्य चल रहा है, सड़क का जो है निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है गाय घाट हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो हो गया आपका गाय घाट हो गया। तो सबसे पहले अगर गांधी सेतु से पार करते हैं तो आपका जो है गाय घाट आएगा, उसके बाद जो है आपका आगम कुआं आता है, उसके बाद फिर 0 माइल लास्ट जो कि बस का स्टॉप है, ठीक है। और इधर देख सकते हैं ये जो पुल बन रहा है कुछ दिनों में जो है चालू हो जाएगा और हो सकता है ये जो मैरीन ड्राइव से जोड़ा जाएगा पुल। तो ये पुल बन जाने के बाद जो है ट्रैफिक का तो थोड़ा बहुत जो है हल्का हो जाएगा, यानी कि जाम वगैरह नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए हम लोग जो है पहुंच रहे हैं, ये देख सकते हैं आगे जो है गंगा सेतु यानी कि जो है गांधी सेतु पुल जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। और जो है लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जो है आपका गंगा हो गया। और इधर देखिए ये जो पुल बन रहा है यही जो है मैरीन ड्राइव से जोड़ा जाएगा, ये जो पुल बन रहा है आप देख रहे होंगे, और ये है गंगा सेतु पुल। तो चलिए गंगा सेतु पुल का जो है मज़ा उठाइए और देखिए कैसा लुक लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए और देखिए कितना देर में जो है हम लोग पासवान चौक पे पहुंचते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अभी जो है भीड़ नहीं है, जाम नहीं है, दोनों साइड जो है लाइन चालू हो जाने के बाद जो है अभी जाम नहीं लगता है, ठीक है। और दोनों साइड चालू हो जाने के बाद जो है जाम नहीं लगता है, इससे ज़्यादा यात्री को फ़ायदा होता है, क्योंकि जाम लगने के कारण जो है 2 घंटा 3 घंटा सभी यात्री का जो है मारा जाता था, यानी कि जो है उस समय सभी लोगों को ट्रेन पकड़ना है, जॉब में जाना है, घर पहुंचना है, तो काफ़ी जो है देरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो है गांधी सेतु का जो है नया निर्माण करने इसे जो है मॉडिफाई करके जो है बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, जिससे कि अब जो है जाम वगैरह जो है इस पर नहीं लगता है और जो है तुरंत हाजीपुर से पटना आने में भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और सभी लोग जो है हाजीपुर से पटना जो है आसानी वे में जो है पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं कितना अभी जो है एकदम फ्री है रोड, कोई भी जाम का जो है देखने का नहीं देखने को मिलता है। तो अब जो है हम लोग हाजीपुर पहुंचने वाले हैं, यानी कि जो है ये गांधी सेतु पुल हम लोग जो है पार करने वाले हैं। तो आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है दिख रहा होगा आपका जो है हम लोग पुल समाप्त हो गया, यहाँ पर जो है पुल समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो है इधर लेट यहाँ पर जो है खाली खाली नज़र आ रहा होगा अभी। तो अभी तो जाम नहीं है तो बहुत बढ़िया है, हम लोग जो है भागे जा रहे हैं तेज़ी से एकदम, तो हम लोग जो है जल्दी पहुँच जाएंगे। जाम रहता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इधर जो है घंटों घंटों तक जो है जाम लगा हुआ रह जाता है। तो यहाँ पर जो है अभी जाम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग का लक अच्छा है तो अभी जो है जाम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं तो इधर देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है देखने में। अभी जो है इधर सड़क निर्माण का कार्य जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है हाजीपुर टू पटना,
ठीक है, बाद में जो है प्रॉब्लम नहीं होगा हाजीरपुर टू पटना जाने में, यानी कि हाजीरपुर से अगर पटना जाते हैं तो ये सड़क बन जाएगा तो और भी फ्री हो जाएगा और जो है वाहन जाने आने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो है हम लोग आप देख सकते हैं इधर साइड में जो है नर्सरी वगैरह काफ़ी है, तो यहाँ से जो है पेड़ पौधे भी आप जो है ख़रीदारी कर सकते हैं, कलम का पेड़ जो है लगा सकते हैं अपने घर ले जा कर के, और जो है वातावरण को जो है प्रदूषित से बचा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इधर देख सकते हैं अभी जो है यहाँ भी जो है कार्य चल रहा है सड़क निर्माण का, और उसके बाद हम लोग जो है पहुँच गए हैं अब फाइनली जो है पासवान चौक, जो कि आप देख सकते हैं ये जो है आपका पासवान चौक गोलंबर हो गया। यहाँ पर इधर भी जो है पुल वगैरह भी बन रहा है बहुत ही तेज़ी से, पुल बन जाने के बाद जो है जाम जो है बहुत हद तक जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट जो है गाड़ियाँ पास करते रहेगी। और उसके बाद ये देख सकते हैं गोलंबर, तो हम लोग जो है यही गोलंबर तक आज का सफ़र रहेगा हम लोग का। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ।